भोजपुरिया समाज हम हाथ जोड़ करके आप लोगों से निवेदन करते हैं, दिल्ली वालों में हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, एक आदमी आपको बेवकूफ बना रहा है, वो झूठ बोल रहा है और झूठ बोलता जा रहा है, उसका एक काम गिरवा दो। बिजली का बिल तो आप लोग हाथ उठा दे आ रहा है, पानी साफ नहीं आ रहा है, भोजपुरिया लोग छठ माई हम लोग के लिए बहुत बड़ी है, यमुना नदी की क्या हालत है पूरा देश देखा है टीवी पर, सिविल लाइन का यही हालत है, बिजली का बिल देखिए न कोई सुविधा, मोहल्ला क्लिनिक में कुत्ता बिल्ली बानर सोता है, भैंस देके जाके सो रही है, क्या दिया ये आदमी। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी जब आपके लिए देख रहे हैं क्या क्या नहीं किए, अपने गांव देहात में सब लोग जा लाए जाते चिट्ठी पे, देखा सड़क किया, देखा बिजली, शौचालय देखा, प्रधानमंत्री आवास देखा, 5 लाख रुपया इलाज खातिर मिलता वो देखा, 6,000 रुपया किसान के मिलता, गोरखपुर में एम्स बन गई, फर्टिलाइजर चीनी कारखाना चालू हो गई, पाकिस्तान के मारे के बाद तो करारा जवाब हो गया, अटैक खोला सर्जिकल, और यही केजरीवाल उस पर सवाल करते हैं हमारे सैनिकों पे, देश की सेना पे। आयो है राजस्थान रो खुदरो OTT प्लेटफॉर्म, जठे आपने मिल सी वेब सीरीज, फिल्म, कविताएं, कहानियां और भी बहुत कुछ, देखबा वास्ते अभी डाउनलोड करो स्टेज ऐप। अच्छा ये बताओ मेरे को, ये जो केजरीवाल बार बार कहता है कि मैंने दिल्ली वालों को पानी साफ दे दिया, तो आपके घरों में पानी तो साफ आता है ना 24 घंटे, किसके घरों में पानी साफ नहीं आता, हाथ खड़ा करो, नहीं आता है। और किसके घर में बिजली का बिल आ रहा है, हाथ खड़ा करो, कितना बिल आया, अच्छा पानी का भी बिल आ रहा है, अच्छा गंदे पानी का भी बिल आ रहा है। केजरीवाल ने 8 साल में केवल एक ही काम किया, और वो काम क्या किया, दारू क्या किया, शराब के ठेके खोले, कोई दूसरा काम नहीं किया, एक बोतल के बदले में एक बोतल फ्री दे दी, और इसका मंत्री अभी 6 महीने से जेल में पड़ा हुआ है, और जेल में रहकर वो मसाज करवाता है, और केजरीवाल कहते हैं वो मसाज नहीं है, वो मसाज करने वाला डॉक्टर है, और वो आदमी कौन निकला, वो आदमी रेपिस्ट निकला, जिसने अपनी खुद की बेटी का रेप किया, उस आदमी से केजरीवाल का मंत्री मसाज कराता है, और सत्येंद्र जैन उस रेपिस्ट को बोलता है कि मैं तेरे कमरे में भी टेलीविजन लगा दूंगा। अभी हमारा साथ वाला जो विधानसभा है अपना मटियाला, अभी वहां के विधायक का वीडियो देखा ना पिटाई होते हुए, अभी वहां के उनके कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी के विधायक की फिजियोथेरेपी करी, ठीक है करी नहीं करी, अच्छे से करी। केजरीवाल रवि भैया आपको जानकर बड़ी हैरानी परेशानी होगी कि केजरीवाल 5 साल से दिल्ली के मस्जिद के मौलवी को सैलरी देता है, तनख्वाह देता है, मगर मंदिर के पुजारी को नहीं देता। जब विधानसभा चुनाव आता है तब तो वो हनुमान चालीसा पढ़ता है, और हनुमान खत्म, जब चुनाव खत्म हो जाता है तब वो टोपी पहन लेता है। क्या आपको पता है रवि भैया, दिल्ली में 1984 में एक बार कत्लेआम हुआ था सिखों का, कांग्रेस के लोगों ने सिखों को मारा था, उसके 35 साल के बाद में दिल्ली में अभी दंगा हुआ 2 साल पहले यमुना पार में, वहां पे सैकड़ों हिंदू मर गए, और कोर्ट ने क्या बोला,
कि वो दंगों का मास्टरमाइंड कौन निकला? आम आदमी पार्टी का निगम पार्षद ताहिर हुसैन। ये लोग दंगा करवा रहे हैं, ये लोग शराब के ठेके खुलवा रहे हैं। आप सोच कर देखो मेरी माताओं बहनों, अगर गलती से केजरीवाल की एमसीडी में सरकार बन गई तो वो 800 ठेके नहीं खोलेगा, वो 2000 ठेके खोलेगा। आपकी गली में भी दो दो ठेके खुल जाएंगे, हमारी माँ बहन का यहाँ से गली से निकलना मुश्किल हो जाएगा, हमारे बच्चे शराब पिएंगे। आपको पता है ना अभी दिल्ली में पालम में क्या हुआ? एक वहां पे लड़के ने नशे की हालत में, जो उसकी उसका बाप उसको पैसे नहीं देता था शराब का, तो उसने दादी को भी बाप को भी माँ को भी बहन का भी गला काट दिया। केजरीवाल चाहता है सबके घरों में शराब के ठेके खुल जाए ताकि लोग आपस में एक दूसरे को मारे, मगर ये जनता ऐसा होने नहीं देगी। 4 तारीख को आपको इतनी बार कमल का बटन दबाना है, जब आप बटन दबाते हो तो उसमें से आवाज क्या निकलती है? पी पी, ऐसी आवाज निकलती है ना, पी। इतनी बार कमल का बटन दबा देना कि सामने वालों की पीपी निकल जाए। बोलो भारत माता की। हाय परवेश, अब मैं हमारे रवि भैया को माइक दे रहा हूँ। हाय परवेश, और लोग की बात करते हैं। हाय परवेश, हाय परवेश, जिंदाबाद जिंदाबाद। हाय रवि, सब लोग इनके दोनों हाथ उठा रहे, सब लोग दोनों हाथ उठा रहे। हाँ पार्वती पते हारा हारा, हमारी दीदी हमारी बहन यहाँ खड़ी है, रीता विनय जी, रीता विनय कौर जी खातिर हमारे माननीय सांसद जी अभी बहुत बढ़िया शब्द बतौले। कितना लोग भोजपुरी समझना हो जा, हाथ उठा रहा, कितना कुल भोजपुरिया वाला नहीं है। हाँ सबके देखे थी मार सुंदर सिंदूर से नूर सबके लगल बा। आज घरे में भोजन ना बनल रवि भैया आवत अड़न पास खा, आज सारे पति भूखे रहेंगे। नहीं लेकिन ये प्रेम बा आप लोगन के, कहा कि आप लोग हमके पंडित जी बताए ना बिया का भोई से देखला, ऐसा सोचले रानी से देखले उड़ैया वाली से, न जाने 700 भोजपुरी फिल्म एगो गरीब लड़का मिट्टी के घरे से हम रवि किशन के सुपरस्टार बनौला। आज सांसद है हम गोरखपुर का, पूज्य योगी महाराज जी का, प्रधानमंत्री जी का और पूज्य योगी महाराज जी का एगो संदेशा बा। कल हम योगी जी के संगवे रहे मंच पर, कल हमने 1000 जोड़ा के सामूहिक विवाह करवाए हो जा, तब हम महाराज जी के कहेंगे महाराज जी हमके प्रचार में जाए के बाद, तो महाराज जी कहना कि भोजपुरिया समाज को रवि बाबू आप भी संदेशा देना। हम बोले का बस ये कहना कि जैसे अभी सांसद जी जो चीज गिनवाई ना, आज हम इनके साथ ही दूसरी सभा में है, बड़ा ध्यान से सुनिया हो ये बात बात। देखा डायलॉग और गाना हमार तो आप लोग 30 साल से 25 साल से सुन रहे हो, सुनते रहोगे जब तक हम जिंदा हैं, आप लोगों को आनंद देते रहे। कलाकार हूँ, माँ भगवती की कृपा है, महादेव सर पे चढ़े रहते हैं, लेकिन कुछ बातें हैं जो जीवन में समझल बहुत जरूरी बात। अपन एक वोट, अपन वोट का कीमत समझा बहुत। दारू का ठेका खुला था ये मालूम पड़ गई कि का बर्बादी हुई, मतलब ये लोग दारू को बेचने वाले लोग हैं, ये लोग धंधा करे आयल पड़ा, ये लोग अलग ही धंधा वाला लोग हैं, ये पूरा अलग चला था भैया। आज हम अपने जितना माता बहने जितने लोग जुटे हैं और इस सुबह के मेला में दोपहर भोजन के समय में, तो आज सब लोग बस यह निहोरा बा, बहन हमारे बहुत सीधी वाड़ी, तो बहन के 4 तारीख के वोटिंग बा। और जैसे कि सांसद जी हमारे बतौलन, हमारे बड़े माननीय सांसद जी का सम्मान बा, हमारे समाज के प्रति इनका भाव बा कि हमके सांसद जी काल खुद फोन कहला कि आए के बाजा, तो आज हम सांसद जी के बोलने पर आप लोगों के समक्ष हम भी टीवी पर्दा पे देखा रहा, समक्ष आज पहली बार देखला ये 4 तारीख को वोट है। कौन तारीख के बाद हम थोड़ा गोरखपुर से आए ना ऊंचा सुनते हैं, दिल्ली को पहरा बना दिया है और दिल्ली को बहरा बना दिया तो दिल्ली देख नहीं रही है, दिल्ली को बेवकूफ बना रहा है और दिल्ली समझ नहीं रही है। तो ये मत करो, मेरा समाज बेवकूफ नहीं है,
भोजपुरिया समाज हम हाथ जोड़ करके आप लोगों से निवेदन करते हैं, दिल्ली वालों में हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, एक आदमी आपको बेवकूफ बना रहा है, वो झूठ बोल रहा है और झूठ बोलता जा रहा है, उसका एक काम गिरवा दो। बिजली का बिल तो आप लोग हाथ उठा के आ रहा है, पानी साफ नहीं आ रहा है, भोजपुरिया लोग छठ माई हम लोग के लिए बहुत बड़ी है, यमुना नदी की क्या हालत है पूरा देश देखा है टीवी पर, यहाँ पॉल्यूशन क्या है सबको मालूम है, फिर भी इसको वोट दे के दूसरी बार सरकार बनाए। भोजपुरिया समाज 45% है, उसको जिताने में भोजपुरिया समाज का हाथ होता है, क्यों ये बेवकूफी करते हो आप लोग, क्यों गलती करते हो? यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी जब आपके लिए देख रहे हैं क्या क्या नहीं किए, अपने गांव देहात में सब लोग जा लाए, जैसे छुट्टी पे देखा सड़क किया, देखा बिजली, शौचालय देखा, प्रधानमंत्री आवाज देखा, 5 लाख रुपया इलाज खातिर मिलता वो देखा, 6,000 रुपया किसान के मिलता, गोरखपुर में एम्स बन गई, फर्टिलाइजर चीनी कारखाना चालू हो गई, पाकिस्तान के मारे के बाद तो करारा जवाब हो गया, अटैक खोला सर्जिकल, और यही केजरीवाल, यही केजरीवाल उस पर सवाल करते हैं हमारे सैनिकों पे, देश की सेना पे, क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति है, आतंकवादियों को संरक्षण देते हैं ये लोग, रोहिंग्या वालों को बसाते हैं, बिहार यूपी वालों को कोविड के टाइम पे मार के बस में लाद के फेंक दिया, बस भी नहीं थी, सब पैदल निकले थे दिल्ली से, मुझे याद है वो दिन, आप लोग भूल जाना कहे कि आप लोग का याददाश्त 2 दिन की है, मैं कुछ नहीं भूलता, भूला जाइए बस 4 तारीख आई, मुफ्त में कुछ नहीं मिलता, ये फ्री का लॉलीपॉप लेना बंद करो, भोजपुरिया समाज मेहनत करता है, पसीना बहाता है, स्वाभिमान समाज है ये, स्वाभिमानी है भोजपुरिया लोग, भारत माता जय, प्रभुराम के मंदिर का 500 साल लड़ाई चल रहा है मत भूला, आज बनाता है यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, मुझे योगी महाराज की वजह से बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर, माई विंध्याचल का कॉरिडोर बनाता, महाकाल का उज्जैन बन गई, 2.5 साल से 80 करोड़ गरीब जनता के 35 किलो अनाज मिला था, मैं अपने हाथ से बाढ़ में अभी जाके गोरखपुर में बांटा हूँ, कोविड में बचा ले गए प्रधानमंत्री हम ही के, 1 रुपया नहीं लगा, जहाँ दुबई में और सब जगह 4,000 रुपया इंजेक्शन का लगता था, आज बिगर मास्क क्यों, 5 दिन पहले चाइना में लॉकडाउन हुआ था, सब लोग मास्क पहन के घूम रहे हैं, हम लोग बगैर मास्क के घूम रहे हैं, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, तो ये वो पार्टी है, ये कमल का निशान है, एक दाग नहीं मेरे प्रधानमंत्री पर, एक दाग नहीं हमारे मंत्री पर, एक दाग नहीं हमारे सांसद विधायक पर, आज इनके मंत्री जो दिल्ली पर राज कर रहे हैं जेल में है, आज इनके कार्यकर्ता सुसाइड कर रहे हैं, ये दारू का धंधा कर रहे हैं, किस बात पर हम लोग जिता रहे हैं इनको, किस बात पर इनको सरकार बनाई, कहा दिए पानी नहीं दिए, झूठ बोले, साफ पानी नहीं, बिजली नहीं, भोजपुरिया लोग के लिए यमुना नदी का क्या पोल्यूशन देख लीजिए, सिविल लाइन देख लीजिए, ये पूरी नंगी तारे जो लटकी हुई है बिजली की ये देख लीजिए, क्या किया, नारा देख लो, अपनी आंख से चलते हो आप लोग, न सुरक्षा न व्यवस्था न सम्मान, भोजपुरिया लोग खाली वोट के लिए इन लोग आते हैं कि तो नकार बिजली और गरीब आदमी मजदूर आदमी सूचना आई बिल नहीं आई हो अगली बेसन आई कुल योजना घोषणा पत्र में परसों आ गई बा हमारे प्रत्याशी बता दी है हमने समाज से हाथ जोड़ करके निहरा बा गलती मत करिया हो हम अपने यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का दूत है हम योगी जी का दूत है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है अपने समाज खातिर संदेशा लेके हमारे प्रधानमंत्री का आए और उन्हीं रहे कि रवि जाओ तुम प्रधानमंत्री हमके बोला जाओ अपने समाज को समझाओ कि देश कहां बदल गया देश को मैंने कहां लिया ग्रामीण की स्थिति कहां ऊंचाई पर आ गई जीडीपी में हम लोग ने ब्रिटेन को पीछे छोड़ के इकोनॉमी में देश आगे आ रहा है कुछ गलतियों से देश कुछ जगहों पर ये लोग जो आघात करते हैं जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं उनको बल मत दीजिए आप लोग ये एमसीडी चुनाव को कोई आम चुनाव मत समझो यही ताकत मिलती है यही इन लोगों का खून बढ़ता है गुजरात में इनकी जमानत जब्त होने जा रही है इस आप पार्टी की जमानत जब्त कर देंगे उत्तर प्रदेश में खाता खोलने नहीं दिए इनका हम लोग खाली आए दिल्ली के हमारे भोजपुरिया समाज इनके जिला हुआ था सच कह रहा हूं हमारे समाज उसको वोट देता है
काहे कि हमार समाज की नहीं बिजली साफ पानी मिल जाए हमारे बच्चे खाते हमके बिजली का बिल ना आए। अभी आप सब लोग हाथ उठाए माननीय सांसद जी जब पूछे तो प्रवेश भैया कि नहीं बिल आवा था साफ पानी नहीं मिल रहा है सिविल लाइन का यही हालत है बिजली का बेकार देखिए न कोई सुविधा मोहल्ला क्लिनिक में कुत्ता बिल्ली बानर सोता है भैंस देके जाके सो रही है क्या दिया ये आदमी एक झूठ और बढ़िया से बोले वाला झूठ इनको तो सिनेमा में भोजपुरी सिनेमा में रोल करना चाहिए बोले के आके हमें बढ़िया से बताओ ना 100 रुपए का कॉटन शर्ट पहन के हमारे समाज पूरा बेगूर बन जाला मत बन सच्चाई के साथ चलो आंख से दिख रहा है मेरा देश क्या था 2014 के पहले प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद 2022 तक मेरा देश मेरा गांव मेरा देहात बहन बेटियों की सुरक्षा व्यवस्था बेटियों को आगे बढ़ाना जो जो योजनाएं हैं कुसुम योजना देख ला योजना पढ़ो ऑनलाइन क्या नहीं है अपने गांव में फोन करके आप लोग जा रहे हो गर्व हो रहा है गांव की जहां जहां से सड़कें गई हो जमीन की कीमतें हर आदमी आज वहां पर अमीर हो गया जेकर भी जमीन बा किसान आत्महत्या करने बंद कर दिया ये है वो सरकार जिसके लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं आपके पास भैया हो हमारी बहन रीता जी के रीता बहन आप बात भी करते हैं बहुत सीधी लग रही हैं आप बहन तो बहन मैं यहाँ 4 तारीख को आपका चुनाव हमारे समाज के बोला चूंकि ढोल मजीरा नहीं तो मैं बहुत अधूरा होता हूँ इन लोग मुझे गाना भी सुन रहे क्योंकि लोगों ने मुझे अनगिनत रूप में देखा है तो मुझे चुनाव के बाद बहन के सच मन करे तो हाथ उठाना इनको आप लोग जिताओगे तो ही हाथ उठाना नहीं तो बोलो नमः पार्वती पते हर हर बोलो भारत माता की भारत माता की वंदे मातरम 4 तारीख को चुनाव होगा 8 को आप हमको बुलाएगी फिर हम का भंसाई फर्निश तो चले रहे यही संभनिया हम और बड़ी काहे कि ओढ़निया हाँ वाली से बिकुल हुई जब हमके बहन बुलाई हाँ फुल मजीरा हुई जय हो जय आपने हमें YouTube पे देखा आपने हमें Facebook पे देखा अब आप हमें देखिए सबसे पहले हमारे ऐप पर तो अभी जाइए Google Play Store पर और डाउनलोड कीजिए झलको ऐप जहां आपको मिलेगी हर पल की जानकारी वो भी बिल्कुल देसी अंदाज में।